Hello students, welcome to statistics period. Now today's topic, it is matrices. So here we will continue the series for CUSET PG statistics. So first lecture was based on determinants, जहां हमने उसकी properties discuss करी थी and कुछ short tricks सीखी थी. तो आज का जो video है वो matrices को लेकर है. तो आज हम eigen values and eigen vectors के बारे में discuss करेंगे, जो properties हैं, जो short tricks हैं to solve the questions, और later on फिर हम numerical parts and PYQs जो है वो solve करेंगे. So first of all let's understand what do you mean by eigen values और कैसे हम shortly जो है वो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को कंप्यूट कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ जो है वो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल सेक्शन. सो फर्स्ट इज ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स. जैसे ये जो इक्वेशन होती है, बेसिकली इस इक्वेशन को हम एज इन जब आपको ईगन वेक्टर, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक की तरह हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं जब आपको आइगन वेक्टर निकालना होता है. दैट मीन्स ये जो एक्स है वो आइगन वेक्टर है, ये जो लैम्डा है ये आइगन वैल्यू है. जैसे कोई भी इक्वेशन, जैसे ये जो इक्वेशन है ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं. और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए जो है वो एक मैट्रिक्स होता है, आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. वंस यू विल सॉल्व दिस तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी. तो इस लैम्डा को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज, राइट. जो रूट्स होती हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस इक्वेशन की जो रूट्स होती हैं उसे हम कहते हैं आइगन वैल्यूज. तो लैम्डा जो है इट इज एन आइगन वैल्यू, लेटेंट रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट. जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज ही लिखा हो, तो इसके और नेम्स भी होते हैं जो अभी मैं आपको बता रही हूं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है, लेटेंट रूट्स है, आइगन वैल्यूज है, ये भी जो है वो इसके नेम्स है. सो हियर दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, ये हमें याद रखना है, राइट. जब भी हमें आइगन वेक्टर का क्वेश्चन दिया होता है तो हम इसी की हेल्प से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट. सो दीज आर द नोटेशंस. लैम्डा इज एन कैरेक्टरिस्टिक रूट, एक्स जो है वो आइगन वेक्टर है और इसका दूसरा नेम होता है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर. दिस इज इक्वेशन आई टोल्ड यू, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसकी हेल्प से हमें लैम्डा की वैल्यू मिलती है. एंड वॉट इज दिस लैम्डा, लैम्डा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज. नाउ हियर कम्स द शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट्स, this is a short trick and this will help you a lot to solve your question very quickly. So let's understand with the help of an example. So students, suppose agar ye koi question hai, ab aapko pata hai ki ye jo hai yahan pe aapke paas either in this form or I will take some example like we have like 3 and 3 2 1 0, like this. So here up, this is a diagonal matrix, right, and this is your upper triangular matrix. तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है ये समझिएगा कि जैसे ये एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके जो डायगनल एलिमेंट्स हैं ये इसकी आइगन वैल्यूज हो गई. सॉल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं है 1, 3 and 3, दिस इज एन आइगन वैल्यूज. तो अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर है, लोअर ट्राइंगुलर है, स्केलर है, डायगोनल है, तो उसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं आइगन वैल्यूज, राइट. तो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो वन ऑफ द शॉर्ट ट्रिक्स. सो देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर or diagonal matrix, they are the diagonal elements of the matrix. अब देखिएगा, this is again one of the important, maximum questions आपके इससे solve हो जाएंगे. क्या है, अगर lambda 1, lambda 2, lambda n eigen values हैं तो जो sum of the eigen values होता है वो trace के equal होता है और जो product होता है वो determinant के equal होता है. ये शॉर्ट ट्रिक है, ये पॉइंट्स आपको याद होने ही चाहिए. कहने का मतलब क्या है, ट्रेस मतलब होता है द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स. तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास सपोज ये ईगन वैल्यूज हैं तो इसका ये जो सम है ऑफ ईगन वैल्यूज विल बी इक्वल टू ट्रेस. ट्रेस मतलब दिस डायगोनल एलिमेंट्स के अलोंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सम. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस आइगन वैल्यू, दिस विल बी इक्वल्स टू इट्स डिटर्मिनेंट. तो ये जो है वो आप देख लीजिए, इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू 9 ही आएगा.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, स्टूडेंट्स आइगन वैल्यूज दे देते हैं, आपसे डिटर्मिनेंट पूछ लेते हैं, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है एंड यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर लैम्डा अगर ईगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की, तो ए स्क्वायर के आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर. ए इनवर्स की लैम्डा इनवर्स, के ए के लैम्डा, और ए क्यूब के लैम्डा क्यूब. तो ये प्रॉपर्टीज बहुत हेल्प करती हैं जब आप कैलीज हैमिल्टोनियन थ्योरम लगाते हैं, या फिर ये कोई भी क्वेश्चन ए स्क्वायर ए क्यूब के फॉर्म में है, तो सिंपली हम लैम्डा की हेल्प लेकर, ईगन वैल्यू की हेल्प लेकर उसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं. या आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे, तो आप उसके लिए प्रॉपर्टीज याद होना बहुत जरूरी है. कई बार थ्योरी क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है कि ईगन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या होता है, यूनिट मॉड्यूलस जो होता है वो उसका ईगन वैल्यूज होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की. व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, राइट. सो दीज आर, मैंने बिल्कुल समराइज इन शॉर्ट वे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं ईगन वैल्यूज की. तो इसमें मेन प्रॉपर्टीज ये तीन ही हैं जिसकी हेल्प से आपके ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाते हैं. अगेन दिस इज वन ऑफ द शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट्स, कि ये आपको बहुत हेल्प करता है ईगन वैल्यूज फाइंड आउट करने में. देखिए ईगन वैल्यूज आई टोल्ड यू कि वंस वी सॉल्व दिस ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू जीरो, सो दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व एंड टू फाइंड दिस ईगन वैल्यूज. बट रादर देन डूइंग दिस, डोंट फॉलो दिस, जस्ट अप्लाई द शॉर्ट ट्रिक कि आप जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, अगर 2x2 मैट्रिक्स है क्वेश्चन में, तो आप इसको लैम्डा स्क्वायर, 2x2 है तो लैम्डा स्क्वायर, ऑल्टरनेटिव साइंस चलते हैं, प्लस है माइनस है प्लस है, इस तरह से याद रख लीजिए. लास्ट वाला जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो लैम्डा स्क्वायर, फिर एक पावर कम हो गई तो लैम्डा माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस. तो इस इक्वेशन से आप सॉल्व करिए, आप क्विकली सॉल्व कर पाएंगे. इसी तरह से अगर ए जो मैट्रिक्स है वो 3x3 मैट्रिक्स है, तो लैम्डा क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन चलेंगे, लास्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गई आपकी, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर, फिर जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके माइनर और उसका डिटर्मिनेंट का सम माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो. सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज वन ऑफ द शॉर्ट ट्रिक. टाइम स्टूडेंट्स क्या होता है, क्वेश्चन में एक वर्ड आ जाता है, एक टर्म आ जाती है, जैसे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो वो क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी. और ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, राइट. एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है. जैसे आप समझिएगा कि सपोज आपका आइगन वैल्यू 1, 1 एंड 3 आ रहा है, तो इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है. इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1 होगी. तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का क्वेश्चन में या ये टर्म आपको आए, तो इसका मतलब कि कोई जो पर्टिकुलर आइगन वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, राइट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, द नंबर, अब इसमें कितने डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स हैं. यहाँ पे आइगन वैल्यूज की बात हो रही थी, जितने नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो वो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है. और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के लिए, दैट इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू है वो कभी भी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से एक्सीड नहीं कर सकती. कई बार ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स में भी आ जाता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा न्यूमेरिकल पार्ट ही है, दैट्स वाई कई बार डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता, मतलब लेस देन होता है किससे, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से. नाउ लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज. लेट ए बी एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ एन बाय एन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द मैट्रिक्स आर ट्रू. सो कई बार इस टाइप के थ्योरिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये तभी हो पाएगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस क्लियर होंगे. लैम्डा इज एन ईगन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ लैम्डा अपीयर्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ एन मैट्रिक्स ए. सो राइट नाउ, अभी जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, तो जहां एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आया था, तो आई टोल्ड यू कि दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक कि जो मेन एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो हैं वो आइगन वैल्यूज होते हैं. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है,
और लैम्डा आइगन वैल्यू कब होगा, जब वो उसके प्रिंसिपल डायगनल पे, मेन डायगनल पे अपियर होगा. तो दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिक्यूलर लैम्डा अपियर्स ऑन द डायगनल. अब यहाँ पे क्वेश्चन में एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की डेफिनेशन दी गई है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट होती है. सो राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन कि सपोज अगर आपका कुछ ऐसा आ रहा है आइगन वैल्यूज, ये दो बार रिपीट हो रही है तो इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी. राइट, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू स्टेटमेंट्स है. इफ द ईगन वैल्यूज ऑफ ए बी 4 और 8 देन व्हाट इज द वैल्यू. अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए. एक तो प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था कि जो सम ऑफ द ईगन वैल्यूज है वो किसके इक्वल होती है, उसके ट्रेस के इक्वल होती है. इन वैल्यूज लैम्डा 1 मतलब 4 दिया हुआ है और दूसरी आइगन वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो इसका सम किसके इक्वल होगा, ट्रेस. ट्रेस मतलब जो डायगनल एलिमेंट्स है उसके इक्वल होगा. और इसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के. तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा 2y-3x. राइट, सो यहां से y की वैल्यू 10 आ रही है एंड वंस यू विल पुट दिस तो दिस विल बी इक्वल्स टू योर x की वैल्यू आ रही है आपकी -4. तो x इज -4 एंड y इज 10. तो हियर हमने किसका इम्प्लीमेंटेशन किया कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट. सो आंसर विल बी x इज -4 एंड y विल बी 10. इफ m इज अ 2x2 मैट्रिक्स विद द आइगन वैल्यूज 4 और 9 देन द आइगन वैल्यूज ऑफ m स्क्वायर बी व्हाट. सो हियर स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू कि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. राइट, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये पता है तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए इनवर्स के ए कॉन्स्टेंट है आप निकाल सकते हैं. तो उसी क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन है, आपसे एम स्क्वायर का इगन वैल्यूज बोल दिया तो आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है और 9 का स्क्वायर करना है. तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 9 का स्क्वायर हो गया 81. तो ये हो गई आपकी आइगन वैल्यू. सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इफ ए इज अ 5x5 रियल मैट्रिक्स, क्वेश्चन में आपको ट्रेस गिवन है, 2 और 3 जो है वो आइगन वैल्यूज गिवन है, ईच विद एन एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट. सो वी विल जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन. यहाँ पे ट्रेस जो है वो आपको 15 दिया हुआ है, 2 और 3 जो है वो आइगन वैल्यूज है. अब देखिए 5x5 अगर मैट्रिक्स है तो कितनी आइगन वैल्यूज होंगी, 5 आइगन वैल्यूज होंगी. तो क्वेश्चन में एक टर्म यूज कर दिया एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी. एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब ये जो दोनों आइगन वैल्यूज है दोनों की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, मतलब ये वाली वैल्यू भी 2 बार आ रही है और ये वाली वैल्यू भी 2 बार आ रही है. तो आपके पास 2 हो गया, 2, 3, 3 और कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए. तो क्वेश्चन में आपसे बोल दिया कि ए का डिटर्मिनेंट निकालें. सो देखिएगा, सबसे पहले आपको ट्रेस दिया हुआ है. ट्रेस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, की द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज विल बी इक्वल्स टू द ट्रेस 15. तो यहां से हमें ये फिफ्थ आइगन वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी. तो इसका जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी 4 एंड दिस विल बी योर 6, 10 हो गया. तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 5. अब देखिएगा, What do you mean by determinant? Determinant मतलब होता है कि सारी ईगन वैल्यूज का प्रोडक्ट. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ये 9 हो गया और ये 5 हो गया, तो that will be answer will be your 180. तो यहाँ देखिए algebraic multiplicity भी यूज हो गया, ट्रेस का concept और determinant का concept. So answer for this question will be 180. If A be a 4x4 matrix, A जो है वो 4x4 matrix है, real entries such that ये 4 eigen values हैं A matrix की. B matrix इस तरह से defined है जहां पे आई एक 4x4 identity matrix है, then which of the following statements is an R correct? तो यहाँ पे ये 4 statement दिया हुआ है जहां पे determinant और trace का concept है. तो सबसे पहले हमें B के eigen values निकालनी है. So
अगेन द प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन एंड यहां पर आई टोल्ड यू कि क्या हो जाएगा. वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. ये जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि जब ए क्यूब है तो लैम्डा क्यूब हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है. तो देखिएगा हम बी का निकाल लेते हैं तो ये हो गया माइनस वन फोर माइनस वन स्क्वायर प्लस फाइव. तो दिस विल बी इक्वल्स टू योर वन माइनस फाइव एंड प्लस फाइव. तो ये आपके पास आ जाएगा वन आ गया. ठीक है, ऐसे ही वन पे निकालेंगे तो भी वन ही आएगा. राइट, टू पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 5, तो ये भी 1 आ रहा है एंड माइनस 1 पे भी 1 आ रहा है. मतलब सारी इगेन वैल्यूज जो बी मैट्रिक्स की हैं वो 1 आ गई. यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, ये आइगन वैल्यूज को यहाँ पे सिंपल सब्सटीट्यूट कर दिया. ए प्लस बी निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 0 2 एंड दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी माइनस 1. ए माइनस बी निकाल लीजिए तो ये आपका हो जाएगा माइनस टू जीरो दिस एंड दिस विल बी माइनस थ्री. अब आपको निकालना है ट्रेस. पहला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी. तो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे. ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सारे इगेन वैल्यूज का प्रोडक्ट, तो वो आ जाएगा जीरो. देन वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ बी. डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, सारे इगेन वैल्यूज, तो दैट विल बी वन. देन वी हैव ट्रेस. ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ट्रेस मतलब सारे इगेन वैल्यूज का सम, तो वो कितना हो जाएगा 4. एंड ट्रेस ऑफ ए माइनस बी, अगेन सम ऑफ ऑल द इगेन वैल्यूज, तो ये हो जाएगा आपका अगेन वी हैव 4. सॉरी माइनस 4 हो जाएगा ना, माइनस 5 प्लस 1 ये आ रहा है. अब आप वन बाय वन चेक कर लें. यहाँ पर सॉरी मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, इसका ऑप्शन जीरो था. चलिए, सो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी आपका जीरो आ रहा था. देन वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ बी वाज वन. ट्रेस ऑफ ए माइनस बी जीरो, ये गलत है. और ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज फोर, मतलब ये वाला और ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है. सो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ए बी एंड डी, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. If A be a matrix with determinant of A is equals to 1 and trace is given to you, then what is the value for trace of A square? तो question में देखिएगा यहाँ पर आपको क्या given है. एक तो determinant given है और दूसरा आपको trace given है. तो determinant मतलब क्या होता है, 2 by 2 का matrix है तो जो दो eigen values का product will be equals to 1 and दो eigen values का जो sum होगा that is 3. Trace is given to you as 3. और आपको स्टूडेंट्स निकालना है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कि लैम्डा वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. सो व्हाट वी विल डू इज कि आप यहाँ पे लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू के होल स्क्वायर को जब लिखेंगे, सो इट कैन बी रिटन एज लैम्डा वन माइनस टू लैम्डा वन लैम्डा टू. तो ये आंसर आएगा आपका लैम्डा वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टू स्क्वायर. राइट, सो इसका वैल्यू आपको 9 दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट आपको 2 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 7. सो दिस इज अ वन ऑफ द शॉर्ट ट्रिक. यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, माइनस 2ab से कर दिया, सो दैट आई विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. द इगेन वैल्यूज ऑफ दिस, आपको 3x3 का मैट्रिक्स है, तीन इगेन वैल्यूज निकालनी है. तो यहाँ पे सबसे बेस्ट वर्क करेगा आपका ऑप्शन. क्विकली यू विल सॉल्व कि यहाँ पर आपको पता है कि आइगन वैल्यूज का जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू ट्रेस, जो 9 आना चाहिए. यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या ये 9 है, नहीं है. क्या ये 9 है, नहीं है. दिस इज 9 येस एंड दिस इज 9 नहीं है. तो ये इसका आंसर हो गया. इस पर कोई आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है. सिंपल आपने ट्रेस का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी यूज किया है और ऑप्शन में से चेकआउट कर लिया. द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज वॉट. तो पहले तो चेक कर लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है वो देखिएगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है. तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, एंट्रीज होती हैं, वो होती हैं इसकी इगन वैल्यूज. तो इगन वैल्यूज क्या हो गई, 2, 1, 3 एंड 2. 2, 1, 3 एंड 2 हो गई. क्वेश्चन में एक वर्ड दे दिया डिस्टिंक्ट, तो दो ये वाली जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है. तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कितनी होंगी, 1, 2 एंड 3. सो आंसर विल बी 3.
वन ऑफ द इगन वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स बी व्हाट? सो नाउ स्टूडेंट्स, जब भी इगन वेक्टर का क्वेश्चन होगा, सो ऑलवेज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स वाला आप कॉन्सेप्ट लगाएं तो उससे इजिली हो जाएगा. तो सबसे पहले इसमें आपको इगन वैल्यू पता होनी चाहिए. लेट मी राइट दिस मैट्रिक्स. ये है -5, 2 एंड दिस इज -9 एंड 6. तो अभी आप एक और समझ लीजिए एक ट्रिक भी. कई बार क्या होता है कि जैसे आपने ये रो का सम किया तो ये आ रहा है -3 और ऐसे यहाँ पे भी सम किया तो -3. अगर रो का सम सेम है तो डेफिनेटली आपके पास टोटल 2x2 का मैट्रिक्स है तो कितनी आइगन वैल्यूज होंगी? 2 आइगन वैल्यूज होंगी. तो एक आइगन वैल्यूज की -3 होने वाली है. ठीक है, तो ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक है. तो यहाँ पे ये हो जाएगा -3x. तो अभी क्वेश्चन में आपको ये निकालना है, x निकालना है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल डू इज कि सीधे ऑप्शन में से x निकाल रख लीजिए. ट्राई दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शंस. तो पहला है -1 एंड 1. तो a रख दीजिए -5, 2 -9, 6 -1 एंड 1 और इसका वैल्यू देख लीजिए कि क्या आ रहा है. तो ये हो गया 5 + 2 दैट इज 7 और ये हो गया आपका 9 + 6 दैट इज 15. तो ऑब्वियसली ये x यहाँ आना चाहिए, राइट आप देख रहे हैं ये वाला x यहाँ आना चाहिए सेम, लेकिन ये नहीं आ सकता तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, राइट. ऐसे ही आप -2 एंड 9 करेंगे, 2 एंड -1 करेंगे. चलिए एक और कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 और -1. तो ये हो जाएगा आपका -10 और ये हो गया आपका -2, तो -12, -18 और -6 दैट इज -24 हो गया. तो -12 आप बाहर निकाल रहे हैं तो ये हो गया 1 और 2. तो आप देख रहे हो ये वाला सेम नहीं है तो ये भी एक इगन वेक्टर नहीं होगा. लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं 1 एंड 1. तो ये हो गया -5, 2 -9, 6 1 एंड 1. तो ये हो जाएगा आपका -5 + 2 दैट इज -3 और ये हो गया -9 + 6 दैट इज -3. -3 कॉमन निकाल रहे हो 1 1, तो आप देख रहे हो ये और ये सेम आ रहा है और ये आपकी इगन वैल्यू हो गई. ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स आना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए लैम्डा भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, तो इसका मतलब आइगन वेक्टर हो गया 1 1. सो दिस इज द बेस्ट वे आइगन वेक्टर का क्वेश्चन आ रहा है. सबसे पहले रो सम करके देख लीजिए, आइगन वैल्यू निकाल लीजिए और ए एक्स इक्वल्स टू एक्स लैम्डा से इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. लेट ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स. आइगन वैल्यूज आपको दिया हुआ है -1, 0 एंड 1 और आपको 6 ए की वैल्यू निकालनी है. नाउ दिस इज अ PYQ, ये आपके एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. एंड हियर स्टूडेंट्स, आपको आइगन वैल्यूज दिया हुआ है और 6A की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले आप देख लीजिए बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? दिस वन, KA, क्योंकि KA यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो आइगन वैल्यू KA का क्या हो जाएगा? K लैम्डा हो जाएगा. तो यहाँ पर आप आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा 6A का, आई विल राइट इट ओवर हियर. इसको आपको सिंपल 6 से मल्टीप्लाई करना है तो -6, 0 एंड 6, राइट. अब इसका ट्रेस क्या आ रहा है? इसका ट्रेस आ रहा है इसका 0 ऐड करने पे और डिटर्मिनेंट भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. तो आप ऑप्शंस में देखें कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स ऐड करने पे 0 आना चाहिए, ट्रेस चेक करें. जैसे यहां पर है तो इसका ट्रेस क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. तो अभी इसको अपन और भी चेक कर लेते हैं. यहां देखिए इसका ट्रेस कितना आ रहा है? 7 आ रहा है. इसका ट्रेस 1 आ रहा है. इसका ट्रेस -1 आ रहा है. सो किसका ट्रेस 0 आ रहा है? इसका. तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. इवन इफ आप इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करके क्रॉस चेक करेंगे तो डिटर्मिनेंट भी इसका 0 आएगा. तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है इस CU SET एग्जाम में कुछ नहीं है, KA वाली प्रॉपर्टी लगा दी. अब आपको मैं आई टोल्ड यू कि आपको ये 3 और 4 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, क्वेश्चन इजिली आपके आप सॉल्व कर पाएंगे. और हमने यहाँ पे ट्रेस का कॉन्सेप्ट लगा के ऑप्शंस में से सर्च कर लिया. द वैल्यू ऑफ पी सच दैट दिस वेक्टर इज एन ईगन वेक्टर ऑफ दिस. तो क्वेश्चन में आपसे यहां पर इस पी का वैल्यू पूछा गया है और आपसे बोला है कि ये जो है वो आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स का. तो यहां पे हम ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे. Here we have done AX is equals to lambda X. अब आपको यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है तो दैट विल बी योर 4 + 2 + 6. तो ये आपका आ गया 12. देन दिस इज पी प्लस 4 + 3 दैट विल बी 7 + पी दैट विल बी 14 - 8 + 30
and that will be your 36, right? That is equals to lambda 1, 2 and 3. तो अभी आपके पास ये वैल्यू हो गई, देखिए दिस आई विल राइट इट लाइक दिस वे, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लैम्डा, दैट इज दिस। तो अभी आप देख रहे हैं लैम्डा की वैल्यू 12 आ गई, 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 7 प्लस पी है, तो ये आपके पास हो गया 24 इज इक्वल्स टू 7 प्लस पी, तो पी की वैल्यू आ गई 17, राइट। सो सिंपली बाय यूजिंग this short trick we have found the answer will be 17. If m is equals to this, then you have to find this matrix. Students, सबसे पहले हम यहाँ पर एक characteristic equation बनाते हैं, तो 2 by 2 की matrix है, तो characteristic equation हो जाएगा ये minus trace of a into lambda plus determinant of a is equals to 0. तो लैम्डा स्क्वायर, ट्रेस मतलब आपको इसको ऐड करना है, मतलब 1/4 एंड 2/5 को जब ऐड करेंगे टेकिंग द एलसीएम, तो ये आपके पास हो जाएगा 13/20 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया आपका 2/20 माइनस 9/20, तो ये हो गया आपका माइनस में 7/20 इज इक्वल्स टू 0. तो दिस इज 20 लैम्डा स्क्वायर माइनस 13 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. नाउ स्टूडेंट्स, आपने कैलीज थ्योरम पढ़ा होगा इसमें आइगन वैल्यूज में, कि हर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एवरी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैलीज थ्योरम है, हैमिल्टन थ्योरम. तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा 20m² माइनस 13m माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. सो ये हमने कैलीज थ्योरम यूज किया है. आंसर क्या हो जाएगा, 20m² माइनस 13m माइनस 7i विल बी इक्वल्स टू 0. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड कैलीज थ्योरम भी आपने इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिया. सो अलॉन्ग विद द शॉर्ट पॉइंट्स आई हैव प्रोवाइडेड यू, सो अलॉन्ग विद द शॉर्ट ट्रिक्स, होप आपके लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहा होगा. सो अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक करिए and stay connected to the channel, and thank you students for watching this video.